पेमेंट की डेडलाइन आने वाली है, कैसे कंप्लीट करेंगे? हो जाएगा यार, लेकिन वो आ भी तो नहीं रही ना मोटी। आने वाली होगी, देखना होना तो चाहिए था यूनिवर्सिटी में उसको। हाँ लेकिन है नहीं वो, यहीं कहीं होगी। कहाँ हो? ऊपर होगी। मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी भी हो। तुमने फिर से मुझे मिस बलून कहा। तुम्हें पता भी है मेरा दिल कितना दुखता है। तुम सब मेरे दोस्त ही नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी यार, वो क्या है ना, तुम हो ही इतनी क्यूट के दिल से खुद ब खुद निकल आता है ये। हाँ यार, वैसे भी दिखने में तुम क्यूट सी टेडी बियर तो लगती हो, बिल्कुल गोल में टॉल। मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। मरवाएगा क्या? अच्छा अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्या हो गया? आई एम सॉरी, और ये सब जो मैं कहता हूँ ना दिल से कहता हूँ, आई स्वेयर। और अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगा तो उन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी, इट्स ओके। तुम जानते हो ना, कोई मुझे कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मुझे मोटी कहते हो ना तो मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है। ओके, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो इसी बात पर अगर नाराजगी खत्म हो गई हो तो नोट्स डन कर दो। दिस इज नॉट फेयर। वैसे तुम हमेशा अपनी क्लास बंक करते हो और तुम्हारा सारा काम मुझे करना पड़ता है। यही ना, क्योंकि तुम मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखते हो, क्योंकि तुम हो ही ना मेरी मिस बलून स्वीटहार्ट। पता है मुझे तुम मेरा मजाक ही उड़ा रहे हो। नहीं, वाकई नहीं। तो फिर नोट्स डन कर देना प्लीज। ओके, कर दूंगी। बाय बाय। नॉटी टेडी बियर। तुम कितनी मासूम हो मीरा। फराज तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ मीरा, लेकिन मैं डरता हूँ क्योंकि मैं एक बैकवर्ड और लोअर क्लास खानदान से हूँ। तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और शायद तुम भी मुझे एक्सेप्ट ना करो, इसलिए तुमसे कुछ कह ही नहीं पाता। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? वैसे फराज, तुम मॉर्निंग क्लास में क्यों नहीं आए थे? क्योंकि मेरा स्वीट टेडी बियर जो वहां था, हमेशा की तरह मेरी अटेंडेंस पूरी करने के लिए, मेरे नोट्स कंप्लीट करने के लिए। और प्लीज अब ये मत कहना कि मैंने टेडी बियर क्यों बोला, दिल से बोला यार। फराज, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? एक लड़की से किस तरह बात कर रहे हो? मेरा को सबके सामने ऐसे क्यों बोल रहे हो बार बार यार? क्यों इंसल्ट कर रहे हो? चिरकुट मजाक था यार। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और तुम लोग इसका साथ दे रहे हो, है ना? पता है सलाम है तुम लोग की सोच को। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अमीरा को कह रहा हूँ, जब उसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई? प्लीज लीव इट। यू नो व्हाट फराज, यू आर सिक। आके कहाँ जा रहे हो? सिख मैं नहीं, सिख तुम हो जो इतना सा मजाक नहीं समझते हो। हाय। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो फराज के नोट्स लिख रही थी। अमीरा, are you okay? हाँ, I'm okay. नहीं अमीरा, you're not okay. देखो मैं जानता हूँ कि फराज तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है और इसी वजह से तुम उसकी सारी बातें सुन लेती हो और कोई शिकायत भी नहीं करती, वो भी इसलिए कि तुम एक लड़की हो ना। लेकिन पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनकी अगर शिकायत हम ना करें ना तो वो बहुत तकलीफ देती हैं। देखो तुम्हारी फराज के साथ जैसी भी दोस्ती जो कुछ भी है, लेकिन कभी भी किसी को अपनी इंसल्ट मत करने देना, क्योंकि किसी को हो ना हो अमीरा, मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्लास में जाना चाहिए, टीचर आते ही नहीं। मैं वो गट्स होने चाहिए कि आप बोलोगे हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं। ये लो, मैं तुम्हारे नोट्स डन करती हूँ। Thank you. And you know? Yes, I know. मैं sweet सी teddy bear हूँ, baby elephant हूँ, और तुम सब लोग क्या कहते हो? हाँ, Miss Balloon. मैं ये सब कुछ हूँ। अमीरा, अमीरा please wait, please. See, I'm sorry. मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करता हूँ। And I promise, मैं आइंदा तुम्हें बलून, हम्टी डम्टी, टेडी बियर या बेबी एलिफेंट नहीं कहूँगा। और वैसे भी ये जो तस्वीर है ये सिर्फ एक जोक है और ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है। पक्का वादा? तुम आइंदा ऐसा मुझे कुछ नहीं कहोगे? हाँ हाँ बाबा, पक्का वादा। मगर ये न्यू असाइनमेंट था, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका तो मुझे पता नहीं है, तो क्या तुम इसे कंप्लीट कर दोगी? ठीक है, कर दूंगी। थैंक गॉड, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता, मैं अधूरा रह जाता। मैं क्यों नहीं होती? मुझे तो होना ही था। फराज, ये मैंने तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट कर दिए थे और असाइनमेंट भी बना दी। थैंक्स यार। फराज, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो। वो अब एक एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद हमारी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं चाहती थी कि उसके बाद तुम अपनी फैमिली को मेरे घर पर लेकर आओ। मामा पापा मिलकर बहुत खुश होंगे। क्यों? मेरे रिश्ते के लिए और क्यों। तुम्हारे रिश्ते के लिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि स्टडीज़ के बाद तुम जॉब ढूंढोगे, तुम्हें कुछ टाइम चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ स्टॉप इट, क्या बकवास लगाई भी है, क्या बोले जा रही हो तुम? प्यार व्यार कहाँ से बीच में आ गया? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम जैसी मोटी लड़की से शादी करूंगा? इनफैक्ट तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन फराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मैं तुम्हारी हमटी डमटी मिस बलून। तो मुझे लगा कि... तुम्हें क्या लगा? मजाक था यार वो सब, सीरियस ही हो गई। तुमसे शादी करके मैं एक बेजोड़ जिंदगी गुजारूंगा। Are you lost it? लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे और मेरे बगैर तुम अधूरे हो। एक सेकंड, तुमने कभी खुद को आईने में देखा? एक बन कबाब के सांचे की तरह हो तुम। क्या हो गया? You're out of your senses. अगर सी बात है तो तुमने मुझसे नोट्स क्यों बनवाए, असाइनमेंट्स क्यों बनवाए? अरे यार, मुझे वो काम करवाना था और लकीली तुम मिल गई। लेकिन माइंडेड के मेरे नोट्स बनाने में और असाइनमेंट बनाने में तुम्हारा ही गुटलक है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में तुमसे कोई बात करना चाहता ही नहीं था। इनफैक्ट कभी कभी मैं सोचता था कि तुम बिजनेस पढ़ क्यों रही हो? ना तो तुम्हें कोई जॉब पर रखेगा, ना तुम्हारी शादी होगी। इनफैक्ट तुम अपना टाइम जाया कर रही हो। मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पास बस माँ बाप है और तुम। मैंने तुम्हें अपना समझा था। Whatever. I don't want to listen this. लेकिन अगर फ्यूचर में खुशकिस्मती से तुम्हें कोई लड़का इस मोटापे के साथ कबूल करके शादी करना चाहे तो अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। मैं खुशी खुशी उसकी बर्बादी देखना चाहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार गई हो? तुम हारी नहीं हो और ना ही कभी हार सकती हो। अपने ये आंसू साफ करो। तुम्हें लोगों के लिए पहेली बनना है, खुद को कहानी मत बनाओ। तुम में किसी चीज की कमी नहीं जो जाहिरी रंग रूप देखकर तुम्हारी चाहत को ठुकराकर हंस दे। समझो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। फराज तुम्हारा कभी नहीं था, वो सिर्फ एक धोखा था। अमीरा, हेलो, कैसी हो? आई एम गुड। यार, तुमसे एक लास्ट टाइम हेल्प चाहिए थी। नहीं, नोट्स नहीं बनवाने मुझे तुमसे, बस एक फेवर कर दो। से ये सैंडविच खत्म नहीं हो रहा तो क्या तुम ये सैंडविच खत्म कर दोगी? बस ये आखिरी बार फेवर मांग रहा हूँ, बस। हाँ यार, प्लीज टेक इट, मेरा भी खा लो, मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। हाँ यार, प्लीज मेरा भी खा लो यार, इवन आई फील फुल। अरे ले लो ना। फराज, ये क्या बदतमीजी है? मेरे से किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला कि मुझे अमीरा से किस तरह से बात करनी है? तेरा बाप फल बेचता है ना, और तेरी इतनी औकात कि अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। बात मेरी औकात की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो और ये कोई तरीका नहीं एक लड़की से बात करने का। तू मुझे बताएगा मुझे अपने दोस्तों से किस तरह बात करनी। गिरवान छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। बात छोड़ो। बस करो फराज, बहुत हो गए। हाँ मैं हूँ मोटी, तुम लोग होते कौन हो? मैं थक चुकी हूँ ये सुनते सुनते, कभी मिस बलून, कभी मोटी, कभी हमटी डमटी, और ना जाने तुम लोग कितने नामों से मुझे बुलाते हो। अपना बचा हुआ खाना देते हो कि तुम खा लो, हमसे खाया नहीं जा रहा है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? So, अमीरा तुम इन लोगों की बातों से अफेक्ट हो रही हो यार। कैसे अफेक्ट ना हो? ये अल्फाज, ये मजाक मुझे तकलीफ देते हैं। मुझे दुख होता है जब तुम लोग आईना बन के खड़े होके मेरे सामने मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हो कि मैं मोटी हूँ, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। मैं ये यूनिट छोड़कर जा रही हूँ। अमीरा, अमीरा रुको। क्या है? तुम सच में जा रही हो? हाँ, इस यूनि में आज मेरा लास्ट डे है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? प्लीज मत जाओ। प्लीज शामिर, तुम यहाँ से जाओ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों की क्लास में बहुत फर्क है। मैं एक मिडिल क्लास आम सा लड़का हूँ और तुम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मीरा। प्लीज माफ कर दो मुझे शामिर। अब मुझ जैसी मोटी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो। मुझे रोता हुआ देखा तो हमदर्दी जताने आ गए। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से और आइंदा इस बारे में बात भी मत करना। मीरा, कैसे हैं आप सब? प्लीज गाइस कैरी ऑन। एक अमेरिकन कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है और वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज रहे हैं, और ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ आप लोग अपना 100% एफर्ट इसमें लगा दें। आप लोगों को पता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो हमारी कंपनी टॉप 3 में आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। साकिब, मुझे ये प्रेजेंटेशन अभी कंप्लीट करके दो। ओके। एक्सक्यूज मी, ये जो अभी आई थी ये क्या करती हैं यहाँ पे? तुम्हें नहीं पता? नहीं, आज मेरा पहला दिन है कंपनी में, असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ मैं यहाँ पर। ये मिस रॉय, हमारी बॉस, इस कंपनी की सीईओ। अमीरा, यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी में वो चुप चुप रहने वाली मोटी सी लड़की इतनी बड़ी कंपनी की मालिक बनेगी। भाई ये सब कैसे हो गया? खैर जैसे भी हुआ, तुम आज भी मेरी यूनिवर्सिटी वाली फ्रेंड अमीरा ही हो। मिस अमीरा राय, यहाँ ये पहचान है मेरी। मिस्टर फराज, वैसे यूनिवर्सिटी के बाद तुमने कांटेक्ट नहीं किया? मिस्टर फराज, आपकी जॉब एप्लीकेशन पर अप्रूवल के साइन मैंने ही किए थे और मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप इस कंपनी में एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट ज्वाइन करने वाले हो। पता है, बाबा की डेथ के बाद कंपनी बिक गई, पार्टनर्स ने सारे शेयर ले लिए और हम सड़क पर आ गए। पिछले 3 सालों से मैं कई कंपनीज में जॉब कर चुका हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस कंपनी में आप रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेंट की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। अब आप जा सकते हैं। तो तुम नाराज हो? यू मैं लीव ना। जी मम्मा, मम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। प्लीज़ आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और प्लीज़ टाइम से मेडिसिन खा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे मेरी रिजेक्ट की हुई ये मोटी अमीरा एक कंपनी की सीईओ बन गई। काश मैंने उस वक्त उसे मोटी कहकर रिजेक्ट ना किया था, उसे आज तक फंसा के रखा होता तो आज दुनिया भर में ऑनलाइन बिजनेस करने वाली इस कंपनी का मालिक होता मैं। लेकिन खैर देर अब भी नहीं हुई, मैं अब भी अमीरा के दिल में अपनी सोई हुई मोहब्बत एक बार फिर से जगा सकता हूँ, उसे एहसास दिला सकता हूँ कि वो आज भी मेरे बगैर अधूरी है। चल बेटा फराज, आज से तेरा काम शुरू। बहुत कर ली नौकरियां, अब ऐश वाला टाइम शुरू। मैडम, हमें अमेरिका की उस कंपनी का ईमेल मौसूल हो गया है, वो अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को पाकिस्तान भेज रहे हैं इस हफ्ते। गुड, तो फिर हमें आज से ही, बल्कि अभी से ही प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यू नो, ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैम। आप लोग जाइए और इस असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन को रेडी कीजिए। थैंक यू। जी मिस्टर फराज, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई काम था या कोई बात थी तो आप अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कीजिए। अरे यार उनसे भी बात कर लूंगा। अमीरा मैं ये कह रहा था, मिस अमीरा राय नाम है मेरा, ऑफिस में सब मुझे मिस राय कहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप पे मिस राय कहने की आदत डाल दीजिए। मिस्टर फराज, जिस तरह मैंने आपको जॉब पर रखा है उसी तरह खड़े खड़े मैं आपको जॉब से निकाल भी सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी की काबिलियत को ठुकराकर, उसके जिसामत और चेहरे को देखकर फैसला करने वालों में से नहीं। अब आप जा सकते हैं। क्या तुम मेरी बात को? इनफ, जस्ट लीव। अमीरा समझती क्या है? क्या हो फराज? यार मिस राय ना गुस्से की तेज है, दिल की बहुत अच्छी। हम उनके सब वर्कर्स हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फैमिली तरह ट्रीट करती है। अपनी हर खुशी शेयर करती है हमसे। अच्छा, सिर्फ खुशियां शेयर करती हैं और गम? थैंक यू। अमीरा मैं जानता हूं तुम्हें ऑफिस में सब मिस राय कहते हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर तो हम दोनों दोस्त हैं ना। दोस्त? दोस्ती का मतलब भी जानते हो तुम? किसी का दिल दुखाकर, किसी पर आवाजें कसकर तुम दोस्ती का हक समझते हो? सच बात तो ये है कि तुमने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं शर्मिंदा। पता है फराज, कभी कभी आपकी ये माफियां और आपकी ये शर्मिंदगी किसी की तकलीफ का खसारा अदा नहीं कर सकती। तुम हमेशा मेरे जज्बात के साथ खेले, मतलब से दोस्ती की। आज जब मेरी एक पहचान है तो तुम मुझसे ये पहचान छीनना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कंपनी से नहीं निकालूंगी। आज के बाद रोज तुम मुझे लिखो। अस्सलाम वालेकुम। शामिर, हाय मीरा। हेलो, प्लीज कम। या श्योर। ये हो क्या रहा है? अमेरिका से आई है, अमेरिकन कंपनी ने भेजा इनको। तुमसे पूछा मैंने, तो काम करो। ये दोनों तो बहुत ही आगे पहुंच गए और मैं वहीं कहीं रह गया। बहुत अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो तुम हो मिस्टर एसएम जो अमेरिकन कंपनी की तरफ से आया है? जी बिल्कुल। सीरियसली आई कांट बिलीव। बस अमेरिका में पिछले 3 साल से जॉब कर रहा था और मुझे अच्छे तरीके से पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है। बस मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना चाहता था। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। इतने सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। तुम इतने टाइम से मिले क्यों नहीं मुझसे? खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा। कम ऑन शामिर प्लीज। वैसे ये फराज यहाँ क्या कह रहा है? मैं देखा फराज इस कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट है। उसकी वालिदा की तबीयत भी ठीक नहीं है और बेरोजगारी की वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। ओह। और अगर मैं उसे जॉब ना देती तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि शायद मैंने किसी अपनी रंजिश की वजह से उसे नौकरी पर नहीं रखा। ये लोग ही हैं जो तुम्हारी इंसानियत नहीं देख सकते। I am very proud of you. वैसे मुझे भी तुम पर बहुत नाज है। अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करना कोई मामूली बात नहीं है। अरे भाई कहा ना, खुद को तुम्हारे काबिल बनाना था। वैसे तुम्हें याद है मैंने कॉलेज के आखिरी दिन तुमसे एक सवाल किया था? हाँ मुझे याद है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उस दिन गुस्से की वजह से मैं तुम्हें ठीक से जवाब भी नहीं दे पाई। तो मेरा तुम अब भी जवाब दे सकते। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। और पसंद ही नहीं, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो भी अभी से नहीं, यूनिवर्सिटी के पहले दिन से। अमीरा हम कहाँ जा रहे हैं? लंच के लिए। आज मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगी। जरूर। अमीरा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे शादी कर सकती हो? जी मामा। हेलो अमीरा, अब मैं कराची आ रही हूँ तुम्हारी शादी करवाने। जी मामा आप आ जाएं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो आप मेरी शादी करवा ही थी और मैंने लड़का भी पसंद कर लिया। थैंक यू थैंक यू। आप सब ने मेरी शादी में जरूर आना इंशाल्लाह। और आप सबको मेरी तरफ से बोनस दिया जाएगा। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। फराज, कॉलेज के दिनों में तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं शादी करूं तो तुम्हें जरूर बताऊं। तो फाइनली मुझे वो लड़का मिल गया है जो मुझ जैसी मोटी लड़की से शादी करने जा रहा है। शामिर जो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ। झूठी मोहब्बत, मतलब कि मोहब्बत। फराज, तो मेरी शादी में जरूर आना, आओगे ना? मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं। बस इतना समझाना चाहती थी कि कभी भी किसी की जाहिरी जिसामत या शक्ल सूरत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। क्या हासिल हुआ तुम्हें मेरा दिल दुखाकर? देखो, आज मैं अपनी पहचान बना चुकी और तुम अपनी पहचान खत्म कर चुकी। चले, हमें मेहंदी की तैयारियां करनी है। चलो।